सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी मेरे पास पहली बार आती है वो ये पूछती है कि डॉक्टर क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, या फिर वो ये पूछती है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए और कैसे पता चलेगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं हो पाएगी। तो देखो, कोई भी डॉक्टर 100% तो ये नहीं बता सकता कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, या नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते करते किसी कारणवश सिजेरियन करना पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी ये चीज डॉक्टर फॉर श्योर लास्ट मंथ तक भी नहीं बता सकते, लेकिन लास्ट मंथ तक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पता चलने से हमें मालूम चल जाता है कि इस पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती। सबसे पहले तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के हाई चांसेस हैं यदि अगर ये आपका पहला बेबी है। डिलीवरी से पहले आप जब प्रेग्नेंट हुई हैं, प्रेगनेंसी होने से पहले आपने बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं किया है और आप बहुत ही ज्यादा लो बॉडी वेट की भी नहीं है, यानी कि ना आपको ज्यादा मोटा होना चाहिए ना ज्यादा पतला। आपका बॉडी का वेट और हाइट एकदम एवरेज होना चाहिए। अगर आपकी ये नॉर्मल डिलीवरी एक बार पहले हो चुकी है और ये आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो भी आपकी इस डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी होने के हाई चांसेस हैं। सेकेंडली, अगर आपके बेबी का वेट बहुत एक्सेसिव नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, यानी कि एक एवरेज अप्रोप्रिएट जेस्टेशनल एज के हिसाब से जो वेट होता है वो होता है 2.5 से 3 किलो के बीच में। अगर आपका बेबी बहुत कम वेट का है तो भी शायद वो लेबर पेन्स ना झेल पाए, और अगर आपका बेबी एक्सेसिवली हाई वेट का है तो भी उसके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन अगर आपका बेबी नॉर्मल पोजीशन पे है, यानी कि सीधी पोजीशन पे है, यानी उसका सिर नीचे की तरफ है, पैर ऊपर की तरफ है, इसको भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए अप्रोप्रिएट यानी गुड पोजीशन कहा जाता है। देन अगर आपके बेबी 9th मंथ में जो आपका लास्ट अल्ट्रासाउंड हो रहा है उसमें अगर बेबी के चारों तरफ जो पानी होता है उसकी अच्छी अमाउंट आई है, ठीक अमाउंट आई है, वो भी बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेवरेबल फैक्टर है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा है। देन आपका प्लेसेंटा, बेबी को जो फूड सप्लाई करता है प्लेसेंटा, उसकी पोजीशन भी यूट्रस में अप की तरफ होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेसेंटा की पोजीशन लो है तो वो नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क पैदा कर सकता है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। देन अगर आपकी सिंगल की बजाय ट्विंस या ट्रिपलेट, मतलब कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हैं, तो भी ऐसे केसेस में आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ ऐसी पोजीशन होती हैं जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी हो भी सकती है, लेकिन डॉक्टर जब ट्राई कर रहे होते हैं नॉर्मल डिलीवरी और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि बच्चे की डिलीवरी की प्रोग्रेस स्लो है, तब भी किसी किसी केस में नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं हो पाता। यदि आपको डॉक्टर ने लास्ट मंथ में चेक किया है और आपसे ये कहा है कि आपके बेबी के हेड ने पेल्विस में एंटर नहीं किया है, ऐसी कंडीशंस को CPD कहा जाता है, यानी कि बच्चे का सिर माँ के पेल्विस की हड्डी के अंदर नहीं गया है, ऐसी कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस थोड़े कम हैं। देन अगर आपके 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी नजदीक आ गई है और आपके लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं, यानी कि आपको आर्टिफिशियल पेन्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसे में भी डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े कम हैं, सिजेरियन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपका पहला बेबी सिजेरियन से हुआ है और आप सेकेंड बेबी के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करना चाहते हैं तो भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े कम होते हैं, सिजेरियन के चांसेस हाई होते हैं। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई तो जिससे आपको ये पता चल सकता है, आप मतलब आपके डॉक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कितने ज्यादा हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें, पूरे 9 मंथ्स एक्टिव रहें, फिट रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं और एक्सरसाइज करते रहें, जिससे कि आपके सारे चांसेस बढ़ा सकें इफ यू वॉन्ट अ हेल्दी एंड अ सेफ डिलीवरी। थैंक यू।